हेलो इंजीनियर्स, आज आप देखने जा रहे हैं कि एक प्लॉट साइज का कैसे पूरा एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, वो भी घर में बैठे बैठे। तो स्वागत है आप सभी का, मैं स्ट्रक्चर डिजाइनर सुदीप कुमार अग्रवाल, कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आप सभी के लिए सिविल गुरु जी। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरु जी के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हम एक साइड में बहुत तेज गर्मी, साथ ही साथ हमारे लोकेशन से बहुत दूर है ये साइड। मुझे सिर्फ इस साइड का क्या पता करना था, प्लॉट साइज और एक रफ एस्टीमेट चाहिए था कि मुझे क्या साइज का ये प्लॉट है। साथ ही साथ मुझे पता करना था इसका डायरेक्शन क्या है, उसके लिए मैं इतने दूर आऊँ ये सही नहीं है। ये पता करने के रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मैं क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ, उसके पहले मुझे आइडिया होना चाहिए कि उसका प्लॉट साइज कितना बड़ा है, किस तरह का है, साथ ही साथ आसपास की लोकेलिटी कैसी है। कि बाजू में देखेंगे एक घर बन चुका है, पीछे घर बनने वाला है, इस तरह से मुझे पूरा आइडिया रहे कि उसके आसपास की एरिया कैसा है। साथ ही साथ मुझे पता हो कि उसका डायरेक्शन कौन सा हो, कि कौन से तरफ ईस्ट है, कौन से तरफ वेस्ट है। ये पूरा जानने के लिए ही मुझे ये साइड में आना पड़ रहा है। अभी मैं कोई टेप के साथ नहीं आया हूँ, कुछ के साथ नहीं आया हूँ, सिर्फ मुझे एक रफ आइडिया चाहिए था, इसने के लिए मैंने यहाँ तक आया। उससे अच्छा आप लोग को एक आसान तरीका बताता हूँ। इसके लिए सिर्फ आपको दो चीज़ चाहिए। पहली चीज़ कि ये लोकेशन कहाँ है वो पता हो। उसको पता करने के लिए आपको कहीं आपका पहचान का है जो जगह, तो आप वहाँ पर जाके पता कर सकते हैं सिंपल गूगल मैप के थ्रू, या फिर आप क्या कहते हैं वहाँ पर किसी को भी बोल सकते हैं कि उस पॉइंट का व्हाट्सएप लोकेशन सेंड कर दे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे हो सकता है और उसको कैसे करेंगे। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ की ज़रूरत है, गूगल एप्लीकेशन की। गूगल की कौन सी एप्लीकेशन? गूगल अर्थ। गूगल अर्थ की एप्लीकेशन आप मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, लैपटॉप के लिए उसका सॉफ्टवेयर भी है और सीधी सीधी वेबसाइट भी है। चलते हैं आप कंप्यूटर में और देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम स्क्रीन में आ गए हैं। इसके बाद सबसे पहला काम है आपका, कोई सा भी ब्राउज़र खोलेंगे। ब्राउज़र में जैसे क्रोम खोले, इस तरह का कुछ ब्राउज़र खुला। आप इसमें सबसे पहले लिखेंगे गूगल अर्थ, इस तरह से आपका वेब पेज दिखेगा। सबसे पहले उसमें ही क्लिक करेंगे, इसमें आपको लॉन्च अर्थ में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया टैब खुलेगा, साथ ही साथ हम व्हाट्सएप वेब खोल लेते हैं, जिससे आपको लोकेशन भी पता चल जाएगा उसका, वो दिखाते हैं आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं व्हाट्सएप में मुझे लोकेशन भेजा गया है, मैं बस इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही आपने क्लिक किया वो गूगल मैप में खोल देगा। आपने गूगल मैप में खोला, आपको उसका लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता चल जाएगा, ये यहाँ पर लिखा है। इसको बस सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, गूगल अर्थ में जाएंगे, यहाँ पर सर्च रखा है, सर्च में इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी, एंटर जैसे किए आपको आपकी लोकेशन मिल जाएगी। लोकेशन मिल गई, या फिर आप खुद अपने हिसाब से लोकेशन ढूंढ सकते हैं। जैसे ही आपको लोकेशन मिल गई, आपका पूरा काम ख़त्म। क्यों? ये लोकेशन के हिसाब से आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा। ये यहाँ पर प्रपोज रोड है, प्रपोज रोड से अंदर आना है, तो आप उसके हिसाब से डायरेक्शन देख सकते हैं। इसमें नॉर्थ ऊपर है। अब बात आती है कि उसके मेजरमेंट कैसे करें। मेजरमेंट कैसे करें, यहाँ पर आपको देखिएगा मेजरमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। जिस पॉइंट से मेजरमेंट करना है, थोड़ा सा जूम करके उस पॉइंट पर क्लिक करें, सीधा सीधा आएँ दूसरे पॉइंट तक, तीसरे पॉइंट तक, चौथे पॉइंट तक, और वापस पहले पॉइंट पर क्लिक कर देंगे। तुरंत आपको एक बार में पूरा एरिया पेरीमीटर मिल जाएगा। आपको चाहिए तो अलग अलग यूनिट में भी निकाल सकते हैं। जैसे ये एरिया हुआ मीटर स्क्वायर में, मुझे चाहिए फिट स्क्वायर में, तो इसमें क्लिक करूँगा, स्क्वायर फिट में कन्वर्ट हो जाएगा। लगभग 2000 का भी ये प्लॉट साइज था, 2054 का आ रहा है वैल्यू, तो अप्रॉक्सीमेशन आपको एकदम सही मिल जाएगा। इसी तरह का आप मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं। अब मैं वो भी दिखाने जा रहा हूँ आपको मोबाइल फ़ोन में कैसे करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं, हम लोग अब मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में आ गए हैं। प्ले स्टोर में गया और गूगल अर्थ की नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड किया, वो भी दिखाता हूँ आपको कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाइए और सर्च कीजिए गूगल अर्थ और इंस्टॉल में क्लिक कर देंगे। इस तरह से आप सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल अर्थ। जैसे ही आप गूगल अर्थ इंस्टॉल कर लेंगे, आपको इस तरह का एक आइकन मिल जाएगा, आप इसमें क्लिक कर सकते हैं और आपका गूगल अर्थ की एप्लीकेशन चालू हो जाएगी। जिस तरह से आपने लैपटॉप में उस लोकेशन को ढूंढा दिया था, उस तरह से आप यहाँ पर भी ढूंढ सकते हैं और मार्किंग कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने ढूंढा अपने हिसाब से, ये मेरी साइट का लोकेशन है। अब एक और ऑप्शन जो कि WhatsApp से लाना, अब उसको देखते हैं। सिंपल WhatsApp खोलेंगे, WhatsApp में जो आपको लोकेशन भेजा है उसको खोलेंगे। उस लोकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब आपको सिंपल आपके लोकेशन को इस तरह से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद गूगल अर्थ खोलिए, गूगल अर्थ में सर्च दिख रहा है, सर्च पे क्लिक कीजिए, वहाँ पर लोकेशन अपना पेश कर देंगे।
आपको वो एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी। ये मेरा लोकेशन है, इसमें भी सेम आप मेजरमेंट में क्लिक करेंगे, पहला पॉइंट मार्क करेंगे, जो सर्कल दिख रहा है उसमें आप पहला पॉइंट लाएंगे, पहले पॉइंट में क्लिक करेंगे, सीधा सीधा लेते जाएंगे आखिरी दूसरे पॉइंट तक, जैसे ही दूसरा पॉइंट आया उसमें क्लिक करेंगे, वैसे ही सीधे आते जाएंगे तीसरे पॉइंट के लिए, जैसे ही आपको तीसरा पॉइंट मिल गया वहाँ पर क्लिक करेंगे, सीधे सीधे जाते रहेंगे आप चौथे पॉइंट में, जैसे ही आपको चौथा पॉइंट मिल गया उसमें क्लिक करेंगे, देखिए मैंने क्लिक कर दिया, अब पहले पॉइंट में वापस आ जाएंगे और क्लोज लूप में क्लिक कर देंगे। आपको लगभग वही सेम रिज़ल्ट मिल जाएगा जो आपने डेस्कटॉप में दिखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर के रिज़ल्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और ये वेरिएशन एकदम थोड़ा सा है डेसिमल का। तो इंजीनियर्स, इस तरह से हम कोई से भी साइट का पूरा प्लॉट साइज साथ ही साथ डायरेक्शन निकाल सकते हैं बिना उस प्लॉट के साइज़ में गए, वो भी आपके घर में बैठे बैठे। आपको बहुत चीज़ों से आराम मिल जाती है, साइड में देखेंगे पूरे कांटे लगे हुए हैं, आप इन सब चीज़ से बच सकते हैं, सिंपल घर से ही निकाल सकते हैं। इसी तरह के बेहतरीन एप्लीकेशन और यूनिक तरीके कोई से भी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लाते रहेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस और चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।